आसमान में भारत की उपलब्धि देख चीन का सर चकराया। चंद्रयान 2 की सफलता पर चीन की भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई। अपने चांद मिशन के लिए अब चीन की भारत से मदद की अपील। भारतीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग के बाद पूरी दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता से चकित है। सभी देश इस लॉन्चिंग की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब इंतजार कर रहे हैं चंद्रयान 2 के चांद पर पहुंचने की, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी भी देश ने अपना कोई यान नहीं उतारा है। वहां से मिलने वाली जानकारी भारत के साथ साथ कई देशों के लिए फायदेमंद होगी। वहीं भारत के साथ कई मामलों में विरोध जताने वाला चीन भी चंद्रयान 2 की चमक से चकित है। चीन ने पहली बार अंतरिक्ष मिशन के लिए भारत से मदद की अपील की है। चीन चाहता है कि वे भारत के साथ मिलकर चांद पर खोजी अभियान भेजे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने इसरो को बधाई देते हुए कहा कि भारत के चंद्रयान 2 मिशन से हमें भी काफी उम्मीदें हैं। चीन इसे बेहद सकारात्मक तरीके से देखता है। चीन चाहता है कि भविष्य में चीन और भारत साथ मिलकर अंतरिक्ष से संबंधित अभियानों को अंजाम दे। चीन अगले 10 साल में यानी 2029-30 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रहा है, जबकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मून मिशन भेजने वाला पहला देश बनने के करीब है। ऐसे में जब चांद के दक्षिणी ध्रुव से चंद्रयान 2 जानकारियां देगा तो वो चीन के काफी काम आएगा। चीन भारत से ये जानना चाहेगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर वातावरण कैसा है, रेडिएशन कितना है और किस तरह वहां रोशनी और अंधेरे का आना जाना होता है। इन सभी जानकारियों की बदौलत चीन चांद पर भेजे जाने वाले अपने मानव मून मिशन में जरूरी बदलाव करेगा, ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर समय बिताने वाले उसके अंतरिक्ष यात्रियों को दिक्कत ना हो। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। 6 सितंबर को भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चीन को इस बात का पूरा भरोसा है कि इसरो का यह मिशन पूरी तरह से सफल होगा, इसलिए वे अगले मून मिशन में भारत का सहयोग चाहता है। हालांकि अभी चीन ने सिर्फ रुचि दिखाई है, इसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री इस पर आपस में बात करेंगे। सहमति बनने पर दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां आपस में समझौता करेंगी, तभी जाकर चीन का भारत के साथ काम करने का सपना पूरा होगा।